या तो इस घर में तुम्हारी माँ रहेगी या तुम मैं। आखिर प्रॉब्लम क्या है तुम्हें मेरी माँ से? प्रॉब्लम पूछ रहे हो तो सुनो, तुम्हारी माँ एक चोर है। परसों मैंने नेट में सर्वा था अपनी अकाली में और वो अपने दिन गायब हो गया। और इस रूम में हमारे अलावा सिर्फ तुम्हारी माँ आती है, तो कौन ले जाएगा वो नेकलेस? हमारे यहाँ तो इनका ख्याल रखने के लिए कोई है नहीं। मैं और मेरी मिसेज काम पर चले आते हैं सुबह सुबह, तो ख्याल रखना इनका, आते रहेंगे बीच बीच में मिलने के लिए। माम कुछ दिन के लिए बाहर जा रहे हैं घूमने के लिए, तो आप अपना ख्याल रखना, मैं आता हूँ जल्दी आपको वापस लेने के लिए। बेटा फोन करके तो देख मेरे बेटे को, शायद फोन लग जाए। फोन किया था माँ जी, लेकिन उन्होंने फोन उठाया नहीं। मेरे बेटे का कोई फोन आया क्या? नहीं माँ जी, कोई कॉल नहीं आया आपके बेटे का। बेटा बहुत टाइम हो गया, मेरे बेटे की मुझे बहुत याद आई, एक बार फिर फोन करके देख, क्या पता उससे बात हो जाए। हेलो, आप मिस्टर नवनीत जी बोल रहे हैं? हाँ जी सर, बोलिए। सर मैं रामलाल वृद्धाश्रम से बोल रहा था। सर मैं वो थोड़ा बिजी हूँ, अभी थोड़ी देर बाद आपको कॉल बैक करता हूँ। अरे नाजेस, टाई किधर है मेरी? अरे ठीक से देखो, वहीं रखी होगी। अरे कहाँ है यार? पार्सल आपकी माँ ने भेजा है। हैप्पी बर्थडे बेटा, आज मेरा बर्थडे है, माँ को मेरा बर्थडे याद था। जरूर ये शर्ट भी कहीं ना कहीं से तुम्हारी माँ ने चोरी करके ही दी होगी। बस अब और नहीं। मम्मी मम्मी, हम जो नया घर ले रहे हैं ना, प्लीज वो आश्रम के पास लेना, क्योंकि जब मेरी शादी होगी उसके बाद मुझे भी तो आपको आश्रम छोड़ के आना पड़ेगा ना। और जब भी मुझे आपकी याद आया करेगी, मैं हाल आपसे मिलने आ जाया करूँगा। यूं तो मैं सबसे न्यारा हूँ, पर तेरा मैं दुलारा हूँ। दुनिया में जीने से ज्यादा उलझन है माँ, तू है अमर का करती है, बड़ी जोर से लगता है। मेरी माँ, मेरी माँ। माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, तुझे याद था आज मेरा बर्थडे है? तेरी माँ कैसे भूल सकती है? तेरी आहट वो पहचाने, दिल में है क्या वो सब जाने, तेरा चेहरा वो पढ़ लेगी, तेरा हर दर्द समझेगी। तुझे देख कर है जिंदा, तुझ में है जिसका जहां, वो है माँ, वो है माँ, वो है माँ, तेरी माँ।